Hello students, our next doubt is related to number system chapter and the chapter name is unit digit. तो जैसा कि आपको क्वेश्चन में दिख रहा है कि हमें एक्सप्रेशन दिया गया है और हमें उस एक्सप्रेशन का यूनिट डिजिट फाइंड करना है, तो इस क्वेश्चन को देखते हैं और किस तरह से इसका सॉल्यूशन निकलेगा वो हम सीखते हैं। तो गाइज, हमें क्वेश्चन में क्या दिया गया कि फाइंड द यूनिट डिजिट ऑफ 7^40 (6^1089) (3^1669). तो पहले हम एक्सप्रेशन को लिख लेते हैं, देन इसका सॉल्यूशन करते हैं। तो एक्सप्रेशन हमें क्या दिया गया, 7^40 (6^1089) (3^1069) हमें ये एक्सप्रेशन दिया गया है। अब किस तरह से इसको सॉल्व करना है वो देखते हैं। तो गाइस, जब भी आपको यूनिट डिजिट फाइंड करना है तो सबसे पहले हमें नंबर की जो भी पावर दे रखी होगी हमें उस पावर को 4 से डिवाइड करना है। जैसे कि हमारे पास 7^40 है तो हम क्या करेंगे, पहले 40 को 4 से डिवाइड करेंगे और देखेंगे कि रिमाइंडर कितना आया है, रिमाइंडर हमारे पास कितना बचा है। तो 40 को जब आप 4 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर आपके पास कितना बचेगा, 0 बचेगा। तो ध्यान रखना है कि जब भी रिमाइंडर या तो 0 बचे या फिर 4 बचे, तो हमारे पास जो भी नंबर दिया गया होगा उसकी हमेशा पावर क्या लेनी है, 7^4। जैसे यहाँ पर रिमाइंडर कितना बचा, 0 बचा था, तो हमने क्या लेना है, 7^4 लेना है, ठीक है ना। अगर पावर कम्प्लीटली डिवाइडेड है 4 से। तो दूसरा, कि अगर किसी नंबर का यूनिट डिजिट 6 है और उसकी कोई भी पावर हो तो हमेशा उस नंबर का यूनिट डिजिट कितना आएगा, 6 ही आएगा। जैसे यहाँ दे रखा है 6^1089, तो जब आप 6 को 1089 टाइम्स मल्टीप्लाई करोगे तो हमेशा जो यूनिट डिजिट आएगा वो कितना आएगा, 6 ही आएगा। तो इस एक्सप्रेशन का जो यूनिट डिजिट आया वो कितना आया, 6 आया, ठीक है ना। फिर मल्टीप्लाई बाय 3^169 है, तो आपको क्या करना है, 169 को 4 से डिवाइड करना है और देखना है कि रिमाइंडर कितना आएगा। तो रिमाइंडर जब आप 169 को 4 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर आपके पास 1 आएगा, और जो रिमाइंडर आया उसको पावर में यहाँ पर लिख देना है 3^1। आगे ये करना है, आगे हमें 7^4 है पता है, तो हमें 7 की जो साइक्लिसिटी है हमें वो पता होनी चाहिए कि 7 की साइक्लिसिटी होती क्या है। तो 7 की साइक्लिसिटी क्या होती है मैं आपको बता देता हूँ कि 7^1 करने पर जो यूनिट डिजिट आता है वो 7 आता है, 7^2 करने पर जो यूनिट डिजिट आता है वो 9 आता है, 7^3 करने पर जो यूनिट डिजिट आता है वो 3 आता है, एंड 7^4 करने पर जो यूनिट डिजिट आता है वो 1 आता है। तो यहाँ पर क्या दिया गया, 7^4 दिया गया है, और तो इसका यूनिट डिजिट कितना होगा, इसका यूनिट डिजिट होगा 1 मल्टीप्लाई बाय 6 का, तो ये तो 6 ही रहेगा, मल्टीप्लाई बाय 3^1 का जो यूनिट डिजिट होगा वो कितना होगा, 3 होगा। अब हमें कुछ नहीं करना, हमें जो इनके यूनिट डिजिट है इनको मल्टीप्लाई कर देना है। तो 6 × 1 कितना होता है, 6, एंड 6 × 3 कितना होता है, 18, और 18 का जो यूनिट डिजिट है तो वो कितना आएगा, 8 आएगा। यानी कि इन सबको मैं मल्टीप्लाई करूंगा, जो मेरे पास एक्सप्रेशन है इन सबको मैं मल्टीप्लाई करूंगा, मल्टीप्लाई करने के बाद मेरे पास जो नंबर आएगा उसका जो यूनिट डिजिट होगा वो कितना होगा, वो होगा 8, ठीक है। तो इसका सही आंसर कितना हो जाएगा, ऑप्शन 1, यानी कि 8 इसका सही आंसर हो जाएगा। आपको सिर्फ साइक्लिसिटी ध्यान रखनी है कि किस नंबर की कितनी साइक्लिसिटी होती है। तो इसका सही आंसर है 8। होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा किस तरह से यूनिट डिजिट को फाइंड करना है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा हमारे चैनल को। थैंक यू वेरी मच।